हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। बड़ी खबर, श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। किसानों के मसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्याम सिंह राणा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को इस्तीफा भेजा था। ओपी धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बड़ी खबर, पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पूर्व भाजपा विधायक श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर। कृषि कानून के मसले पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए श्याम सिंह राणा ने यह इस्तीफा भेजा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को ओपी धनखड़ ने इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। एक बड़ी क्षति, बीजेपी इसे भले ही स्वीकार न करे लेकिन पूर्व विधायक इलाके में अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं, एक बड़ा ओहदा रखते हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान, आप बड़े झटके के तौर पर कह सकते हैं श्याम सिंह राणा का बीजेपी से अलग हो जाना। इस्तीफे को लेकर ही सवाल उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मन मनोवल का दौर देखने को मिलेगा, बीजेपी मना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्याम सिंह राणा के इस्तीफे को तुरंत मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने श्याम सिंह राणा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, यह बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, पहले मुखर होकर सामने नहीं आए। पहले जब हरियाणा न्यूज पर इन्होंने बात की थी तो इन्होंने एक किसान के तौर पर अपनी बात रखी, लेकिन जब पूछा जाता था कि आप बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, आप अपनी ही पार्टी को क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, तब खुलकर नहीं बोलते थे। लेकिन अब इतना खुलकर बोला इन्होंने कि सीधे इस्तीफा ही दे दिया किसानों की किसानों के लिए जो कानून आया है कृषि कानूनों पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए, और इस्तीफा भेजा ओपी धनखड़ को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जिन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपडेट के साथ बड़ी खबर, श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा झटका है श्याम सिंह राणा का पार्टी से अलग हो जाना। पूर्व विधायक, बड़ा ओहदा, बड़ा नाम रखते हैं अपने इलाके में, इनका अलग वर्चस्व है। क्या वहां पर बीजेपी को किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा या बीजेपी उस नुकसान के लिए पूरी तरह से तैयार है? अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, मंजूर कर लिया है, जो कि कर लिया है, तो जरूर बीजेपी इसे एक बड़ी क्षति के तौर पर, एक बड़े नुकसान के तौर पर नहीं देख रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये जानना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार से खफा खफा चल रहे थे, पहले इन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में विरोध किया, महसूस नहीं होने दिया, लेकिन बाद में बहुत मुखर होकर सामने आए, इतनी मुखरता दिखाई कि इस्तीफा ही भेज दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को, और अब इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर, श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर किया है श्याम सिंह राणा का। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। श्याम सिंह राणा बीजेपी के पूर्व विधायक रहे, इन्होंने अब बीजेपी को छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, अलविदा कर दिया अपने इस्तीफे के साथ ही। और जिस अंदाज में इन्होंने अलविदा किया है कृषि कानून पर सरकार को घेरते हुए कि ये किसानों के हित में नहीं है, आप किसान विरोधी हैं, ये अंदाज भी कहीं ना कहीं ये चीज बयां करता है कि एक टैगलाइन जो थी बीजेपी की कि सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिख रहे हैं कि सबको साथ लेकर चले और सबका विकास करते हुए चले। सबके विकास पर हम बात कर सकते हैं लेकिन सबका जो साथ है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा। हरसिमरत कौर का इस्तीफा दे देना, शिरोमणि अकाली दल का इतने सालों का, दो दशक से भी ज्यादा का जो गठबंधन था उसे तोड़ देना कृषि कानून के मसले को लेकर ही, और अब बीजेपी के जो अपने प्रदेश में जो उनके दिग्गज है, जो उनके नेता है, जो पूर्व विधायक भी रहे श्याम सिंह राणा, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अपने इस्तीफे के साथ ही मंशा उन्होंने सामने रख दी थी कि कृषि कानून बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है और इस नाकाबिले बर्दाश्त फैसले के लिए मैं इस्तीफा देता हूं। तुरंत प्रभाव से हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। धनखड़ साहब इस इस्तीफे को लेकर क्या बोलेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बहुत बड़ा नुकसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए जान पड़ता है क्योंकि
एक बार भी मान मनोबल की यहाँ पर कोशिश दिखी नहीं है। भीतर खाने क्या हुआ, पर्दे के पीछे की बात अभी निकलकर सामने नहीं आई है। बैकडोर से बहुत कुछ चीजें निकलती हैं राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में, लेकिन अभी तक पिछला दरवाजा खुला नहीं है। पीछे से बात करने की कोशिश की गई नहीं की गई, ये जानना जरूरी है। और ऐसा लगा था कि मान मनोबल का एक दौर चलेगा। श्याम सिंह राणा एक बड़ा नाम है अपने इलाके में, इनका अपना वर्चस्व है, पूर्व विधायक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका उस क्षेत्र में कितना अपना दबदबा रहा होगा। ये बीजेपी के लिए कितने मजबूत वहां पर मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन आज कृषि कानून को लेकर नाराज हुए, इतने नाराज कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे को अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ओपी धनखड़ ने मंजूर भी कर लिया है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। किसानों के मसले पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार लगातार अपने इस बात पर अडिग है, टिकी हुई है कि हमने किसानों के हित में यह फैसला लिया है और किसी को भी किसानों को बरगलाने नहीं देंगे। तो क्या बीजेपी ने यह कदम इसलिए उठाया है कि श्याम सिंह राणा किसानों को भरमा रहे थे, बरगला रहे थे? ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और रिप्लाई भी दिया है इनके इस्तीफे के ऊपर। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तुरंत प्रभाव के साथ श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया ओपी धनखड़ ने, राकेश? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है और टिप्पणी के साथ जो है ओम प्रकाश धनखड़ ने ये इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने पूरा मान सम्मान जो है आपको दिया था, आपको जिला अध्यक्ष बनाया था, आपको विधायक बनाया, पार्टी ने CPS बनाया, लेकिन आप जो है नहीं मर्यादा संभाल पाए, क्योंकि आपने जब कम्बोज को आप जानते हैं कि रादौर से प्रत्याशी बनाया गया भाजपा का, तो उस समय करणदेव कम्बोज की मुखालफत इन्होंने खुले रूप से की थी, ऑडियो वीडियो वायरल भी हुए थे, तो उस दौरान भी पार्टी नाराज चल रही थी। और इन्होंने क्योंकि श्याम सिंह राणा ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि किसानों के मामलों को देखते हुए, मसलों को देखते हुए ये इस्तीफा दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की पार्टी जो है पूरी तरह से संभाल रही है, पूरी तरह से किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। तो इस सब को देखते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया जाता है। बिल्कुल, कर्णदेव कम्बोज का कुछ जिक्र किया है उन्होंने इस्तीफे का जवाब देते हुए कि आपका इस्तीफा स्वीकार है, बताया आपको क्यों? आप जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो है करणदेव कम्बोज को पार्टी ने इंद्री की जगह रादौर से जो है उम्मीदवार बनाया था, और जब ये रादौर से उम्मीदवार बनाया तो उस दौरान ऑडियो और वीडियो काफी श्याम सिंह राणा के मुखालफत के जो है आए थे फील्ड में, और तब इन्होंने ये भी लोगों से कहा था कि इसे वोट ना दें, और नतीजतन कहें या फिर एक समीकरणों के तहत कहें कि ये जो है जो कम्बोज है रादौर से चुनाव हार गए, तो वो सब उस सब सारी स्थिति को लेकर जो है पार्टी में पहले भी श्याम सिंह राणा को लेकर जो है गुस्सा था इस बात के लिए, फिर उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण भी दिए, लेकिन अब धनखड़ जी ने जिस तरह से जो आपने कहा कि दिख रहा है तो उसका हवाला उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए दिया है कि आपने तब भी पार्टी के खिलाफ काम किया था और इस्तीफा जो है, और यही नहीं उन्होंने अंत में अगले सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी है। जी, अगले सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं और इसी पैराग्राफ में वो पहले ये लिखते हैं कि आपके लिए अभी यही एकमात्र रास्ता बचा था। कहीं ना कहीं क्या बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे? उन्होंने ये भी लिखा है कि आप पर आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी रही हैं, तो साफ कर दिया है कि किसानों की नाराजगी कुछ नहीं है, आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए यही एकमात्र रास्ता था। जानते हैं कि हाल ही में श्याम सिंह राणा समेत 5-6 विधायकों ने पंचकूला में एक मीटिंग की, ये पूर्व विधायक थे सभी, और इनमें से कुछ ऐसे थे जो दूसरे दलों से भाजपा में आए थे, जिनमें एक परमिंदर धुल भी थे और रामपाल माजरा भी थे, ये भी थे और दौलतपुरिया भी थे। तो सबको मिलाकर जो है ये सारी स्थिति जब बनी है तो उसमें लेकर ये सारी बात टिप्पणी उसी बात को लेकर है, क्योंकि
ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पार्टी के ही नेताओं ने पार्टी के खिलाफ उठाया था, तब ये इकट्ठा हुए थे। हालांकि अभी और आगे क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने अभी इनको निकाला नहीं, एक बात हमें सीधी तौर पर समझनी होगी कि पार्टी ने इनको निकाला नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दिया तो लेकिन देर भी नहीं लगाई, एक मिनट जिसको हम कह देते हैं आम बोलचाल में कि कुछ देरी किए बिना इनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया। ये जो है दूसरों के लिए संकेत भी होता है कि यदि इस तरह की कोई चाल अगले लोग दूसरे बाकी लोग भी चले जो इस बैठक में शामिल थे या और जो मंसूबे बांध रहे थे, आप ये भी जानती हैं बिल्कुल कि जब किसानों का प्रदर्शन हुआ तो परमिंदर ढुल ने भी वो प्रदर्शन शामिल हुए थे, परमिंदर ढुल राणा भी हुए थे और ये रामपाल माजरा भी शामिल हुए। तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा जहां कृषि कानूनों को लेकर बाहरी दलों से जूझ रही है, विपक्षी दलों से जूझ रही है, और विद इन दी पार्टी इस तरह का आलोचना हो जाना, इस तरह से विरोध हो जाना, बगावत हो जाना भी पार्टी के लिए चुनौती थी, और पार्टी को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत रहनी थी। और ये संकेत और संदेश देने की बात भी है कि इस तरह की जो बातें हैं, हरकतें हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये साफ मैसेज जो है उनका इस्तीफा स्वीकार, श्याम सिंह राणा का इस्तीफा स्वीकार कर पार्टी ने दिया है। बिल्कुल, एक सख्त संदेश दे दिया है पार्टी ने कि जो भी पार्टी लाइन से हटकर जाएगा और भीतर खाने बगावत करेगा, क्योंकि बाहर ही कम नहीं है विरोधी और विपक्षी सवाल पूछने के लिए, उनका जवाब देते नहीं बन पा रहा है सरकार से, कि भीतर से ही ऐसे विरोध के स्वर गूंजने लगे। तो ये सख्त संदेश इस इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ ही कि हमने आपको निकाला भी नहीं, लेकिन आपकी जो हरकतें थी आपके पास यही एकमात्र उपाय बचा था, हमें आपका इस्तीफा स्वीकार्य है, ये दे दिया है कि अगर कोई भी अगर इस तरह की हरकत आगे करता है तो उसे पार्टी अलविदा कह देगी। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जरा देखिए, एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर लिखा गया है इस्तीफे के जवाब में। साफ आरोप लग गया है श्याम सिंह राणा पर कि आप पर जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत हावी रही, आपके पास एकमात्र यही उपाय बचा था, आपका इस्तीफा स्वीकार है, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छे से चाशनी में डुबोकर ये जवाब दिया गया है, लेकिन सख्ती के साथ ये जवाब दिया गया है। ये कहा है उसमें कि कहां कहां आपकी उपलब्धियां जो है वो नहीं दिखी और आप असमर्थ रहे, कर्णदेव कंबोज का साथ देने में असमर्थ रहे, इसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। पार्टी ने आपको मुख्य संसदीय सचिव बनाकर आपका मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन आपने महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा महत्व दिया।